سلام يا مهدي يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. शहीद आरिफ हुसैन और हुसैनी के लिए मशहूर है। हमारे वालिद बताते हैं, फरमाया जब नमाज पढ़ते थे एक मरतबा जब उन्होंने इंटीरियर सिंध का दौरा किया, फरमाया इंतहाई सर्दी का मौसम था, इंतहाई सर्दी का मौसम था कि शायद हम में से कोई नमाज पढ़ के उठ के पढ़ता, लेकिन इतनी सर्दी के मौसम में इतनी सफर की थकावट 8-9 घंटे, लेकिन वो 1 घंटा सोते हैं, इस सर्दी में उठते हैं, ठंडे पानी से वजू करते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं नमाज तहज्जुद में, जब उस दुआए नमाज वितर में जाते हैं, जब कहते हैं इलाही अल्लाह इलाही अल्लाह फरमाते हैं, शहीद का पूरा जिस्म कांप रहा था। ये तकवा के असरात होते हैं, यानी जो इंसान अल्लाह की बारगाह में जाए खौफ खुदा में कांपे। आज हम अलग ऐलान गुनाह कर रहे हैं, अलल ऐलान अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, यानी हम खुदा के महजर को महसूस नहीं कर रहे कि बेअदब जो होता है वो महरूम हो जाता है अल्लाह के लुत्फ से। ये बेअदबी है कि अल्लाह के महजर में रहें, खुदा देख रहा है, कैसे हम खुदा को महसूस करेंगे। मासूम फरमाते अगर खुदा को महसूस करना है, कल भी मैंने बयान किया कि हमेशा अपनी जबान पर जिक्र परवरदिगार आलम को रखो, चलते फिरते घूमते फिरते जबान हमेशा जिक्र खुदा में रहे, क्योंकि जब जबान अल्लाह के जिक्र में रहेगी तो खुदा कहता है तू मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा।